नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वीरेंद्र सिंह धालीवाल। मैं सैकटरी पंजाब यूथ कांग्रेस का, तीन चार जन लोग सभा लुधियाना का। आज साढ़े यूथ कांग्रेस वालों प्रोटेस्ट किया गया कि जो हाईकमांड ने सानू निर्देश दिए सी कि एक बहुत बड़ा घोटाला भारत इतिहास में इन्हां ने सिरे चाढ़िया, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी नू, एक बिजनेसमैन नू फायदा पहुँचाने वास्ते। जो डील कांग्रेस पार्टी 2012 में तीन गुणा घट रेट से करना चाहती सी, इन्हां ने उसनू तीन गुणा वध रेट विच करके पंजाब इंडिया के लोगों नाल धक्का कीता है, धोखा किया। असी उसके अगेंस्ट अज पंजाब यूथ कांग्रेस के निर्देशों से लुधियाना लोक सभा यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। अज लुधियाना यूथ कांग्रेस वालों साढ़े पंजाब यूथ कांग्रेस के सकत्र वीरेंद्र धारीवाल जी और लुधियाना यू लोग सभा के इंचार्ज ने इन्हों की रहनुमाई हेठ असी अज एक लुधियाना साउथ के समुची यूथ कांग्रेस सारे प्रधानों ने मिलकर प्रोग्राम किया। ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये उलीकिया गया सानू साढ़े आल इंडिया के प्रधान केशव चंद यादव साहब, पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान अमरजीत लाली जी और पंजाब यूथ कांग्रेस के साढ़े आल इंडिया के सैकटरी साहब हेमंत ओगले जी, उन्होंने दिशा निर्देश से अज जो प्रोग्राम किया। जिहड़ी राफेल डील है असी मीडिया राही सारिआं नूं दसना चाहते हैं भी नरेंद्र मोदी जिहड़े सच्चाई के सौदागर कहिंदे आ भी ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा, भी ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा का जिहड़ा नारा आ बिल्कुल अज फुस हो के रह गया। उन्होंने जिहड़ी ईमानदारी सी अज सड़कां ते उन्होंने आ गई भी जीरो हो गए ने। पब्लिक दे विच बहुत रोष है भी जिहड़ी राफेल डील इन्होंने की है हिंदुस्तान के एक नामी घराने, मैं नाम भी लै दिंदा भी जिहड़े रिलायंस वाले दे अंबानी के परिवार के एक बंदे नूं इहदे विच पा के उन्हूं फायदा देने लई और हिंदुस्तान की जनता नाल जिहड़ा विश्वासघात किया मोदी ने, जिहड़ा धोखा दिता, असीं मंग करदे आ भी ये अपनी कुर्सी आप ही छड्ड दें तां वधिया रहूगा, नहीं तां चोणां आ गईआं 2019 दीआं और लोग इहनूं सबक सिखाण। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2G ਸਕੈਮ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ? ਘਟਾਲਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਘਟਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ 58,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆ ਇਹ, ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਰੇ।